same party that used to offer constructive suggestions to this country on how to take the country forward, आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो उसका भी विरोध करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN, में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, द सेम पार्टी दैट अशर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 30 इयर्स अगो इज अ पार्टी दैट इज अब्यूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, अब्यूजिंग बिजनेसमैन एंड कॉलिंग बिजनेसमैन एंटी नेशनल्स।